नाम लिया। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में, और उम्मीद है मेरी आवाज आप सभी तक आ रही होगी। तो जी हां, सेशन नंबर 3 रेलवे पाठशाला के लिए, ग्रुप डी के, खास तौर पर ग्रुप डी के एग्जाम के लिए महासंग्राम का सेशन नंबर 3 आपके सम्मुख है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? फटाफट से कमेंट कर दो कि हाँ सर, मैं रेडी हूं और मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, बढ़िया से सुनाई दे रहा है। सेशन नंबर 3, आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने कहा था फ्राइडे और सैटरडे मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, तो होना ऐसा ही था, लेकिन क्वेश्चन, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर नहीं आ सकता हूं, तो रात भर जगा हूं, रात भर का मतलब 1:30 से 2 बजे तक जगा हूं, लेकिन क्वेश्चंस का कलेक्शन मुझे अभी जो मिले हैं वो अच्छे नहीं मिल पाए हैं। तो क्वेश्चन का कलेक्शन मैं अच्छा कर रहा हूं और कोशिश ये करूंगा कि मैं प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन को डेटा चेंज करके आपके सम्मुख उपस्थित करूं, तो उस हिसाब से तैयारी चल रही है। तो आज शायद उसकी वजह से डिले हुआ है, पॉसिबली संभव होगा, तो नेक्स्ट वीक से ये सारी चीजें आपकी अच्छी सी चलेंगी, लेकिन आपकी क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है। ठीक है भाई, हाँ सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी लोग कमेंट कर दो फटाफट से, सभी लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर आपकी आवाज और वीडियो दोनों ही परफेक्ट शॉट में चल रहा है, जल्दी से कमेंट करो और फटाफट से मुझे बता दो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, कमेंट तो आप लोग करोगे ही करोगे, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और जी हाँ, देखिए भाई आपका पहला प्रश्न क्या आने जा रहा है, आज की क्लास का पहला प्रश्न। एक्साइटमेंट बड़ी होती है, हमें तो पढ़ाते वक्त होती है, आपको होती है नहीं होती है, आप भी बताइए, ये एक्साइटमेंट होना बहुत आवश्यक है भाई। ठीक है, चलो जी, ये है आपका प्रथम क्वेश्चन। देखिए, एक संदूक में कुल ₹56 है, जो कि ₹1, ₹50 और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। उस संदूक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिक्के का जो डिनोमिनेशन है वो 1 रुपए के उसमें है, 50 पैसे के रूप में है और 25 पैसे के रूप में है। अब आपसे कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। तो मैंने कहा 25 पैसे वाले सिक्के अगर मैं 2 मान लूं तो ये कितने हो जाएंगे? 2 गुने में 4। बोले ठीक है सर। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या यहां पर ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, तभी 50 पैसे वाले सिक्के उससे 4 गुने होंगे, राइट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर 1 रुपए का डिनोमिनेशन 1 क्वाइन के रूप में होगा तो टोटल कितना रुपया बनेगा सर? 1 रुपया। 50 पैसे वाले 4 सिक्के होंगे तो कितना रुपया बनेगा? 2 रुपया। और 25 पैसे वाले अगर 2 सिक्के होंगे तो कितने पैसे बनेंगे सर? 50 पैसे बनेंगे। तो टोटल जो अमाउंट तैयार हुआ है वो कितने का हुआ है? 3.5 का, आपको दिख रहा होगा। और सवाल के हिसाब से ये किसके बराबर है सर? 56 रुपए के। लिखना बहुत कम होगा, आप इस चीज को ध्यान से समझना, दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो, 7 5 में 35 आ जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा, 1 का मान 16 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि सर अगर ये बराबर इसके है तो 1 का मान 16 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए उसका अनुपात कितना था सर? 4 था, और 1 का मान 16 है तो 4 का मान 16 × 4 = 64 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहती पब्लिक? फटाफट से आंसर बताओ, क्या कहती पब्लिक? क्लियर है ये बात? डाउट तो नहीं है? पक्की बात? क्या बात। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भाई छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल जो है 24 से 32 से 36 से और 54 से डिवाइड हो जाए। 5 जोड़ देने पर, तो ऑप्शन अपने पास जो लिखे हैं इनको पहले ध्यान से समझो, जो ऑप्शन अपने पास लिखे हैं उसमें जो ऑप्शन है उसमें 5 जोड़कर वो 24, 32, 36 और 54 से डिवाइड हो जाए। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 24, 32, 36, 54 का एलसीएम ले लो। तो देखो जरा एलसीएम कैसे लोगे, 24 और 32 का मैं आपको एलसीएम दिखाता हूं, पहले समझना 24 और 32 को। 8 × 3 8 × 4, 8 कॉमन रहेगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 12 8 कॉमन रहा, 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12, यानी 12 8 96 इन दोनों का एलसीएम हो गया। ध्यान से सुनना, 36 और 54, 9 चौके 36, 9 छक्के 54, यानी कि ये हो गया 9 × 12। अब आप देखो दोनों में 12 तो कॉमन है और 8 9 72 होगा, तो 72 × 12 से करेंगे
12 गुणे 72 अगर करोगे तो आपको जो एलसीएम मिलेगा 12 सत्ते 84, और अगर देखा जाए तो 12 दूनी 24, यानी कि संख्या आपके पास आ जाएगी 864। वो संख्या होगी 864। अच्छा, इस 864 में 5 जुड़कर आया है या नहीं आया है समझना। इस संख्या में 564 5 जो है जुड़कर आएगा, तो 5 अगर घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा उत्तर 859। वह संख्या है जिसमें से अगर मैं 5 जोड़ दूं, किसमें? 859 में, तो क्या बनेगा? 864। और जब ये 864 बन जाएगा तो ये 24 से भी डिविजिबल होगा, 32 से भी होगा, 36 से भी होगा और 54 से भी होगा, तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? 859। कुछ बच्चों के आंसर में देख पा रहा हूं कि यहां पर 869 भी आया है, सी ऑप्शन भी आया है। अरे दोस्त, एलसीएम लेने में अभी भी तुम्हें इतनी समस्या हो रही है? कैसे हो रही है भाई? नहीं होनी चाहिए यार, तुम तो अब बड़े हो गए हो, पेपर के नजदीक आ गए हो, फिर भी सवालों को सेकंड्स में करना सीखिए। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। देखिए ध्यान से और जवाब देने का प्रयास करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भर सकते हैं किसी अन्य पाइप के कार्यरत ना होने की स्थिति में। 1.8 घंटे में भर सकते हैं और 2.7 घंटे में ये भर सकते हैं, ये दोनों पाइप पानी भरने वाले हैं, ठीक है। किसी अन्य पाइप के कार्यरत ना होने की स्थिति में सी जो है 4.5 घंटे में पूरी टंकी खाली कर लेता है, 4.5 घंटे में पूरी टंकी खाली हो गई और कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा था, खाली कर रहा है इसलिए माइनस साइन है। शुरू में टंकी खाली होने पर पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद करके बी को खोल दिया गया। ध्यान से समझना, इस प्रकार टंकी भरने में कुल 5.5 घंटे लगे, पाइप बी कितने घंटे तक, कितनी देर तक खुला रहा है। समझने की बात है कि सबसे पहले अगर आप इनका एलसीएम निकाल लोगे तो बड़ा मामला सरल हो जाएगा, और इनका एलसीएम भाई दोस्त अगर निकालोगे तो क्या आएगा? देखो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप अपने मन से 18.5 हटा के लिख लो, 18, 27 और 45 देख के चल रहा हूं, तो मैं आपको एलसीएम निकालने का तरीका समझाने की प्रयास करता हूं कि इसका एलसीएम तो 54 है और अपने पास क्या बचा है? 45। तो मैं इसको 9×5 लिखता हूं और इसको लिखता हूं 9×6। यस और नो? 9 तो कॉमन है, 6×5=30 यानी कि 270। तो आप कह सकते हो कि इन सब का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 27। एक अंक पर दशमलव लगा दिया 270 का, कितनी बार डिवाइड होगा? दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लीजिए, 18×1=18, 9 बचेगा, 18×5=90। राइट है या रॉन्ग है देख के बताना। 27 को 1.8 से जब आप डिवाइड करोगे तो 15 आएगा या नहीं आएगा? देखो, 15×1=15 तो सीधा हो गया, और 15×8=120 यानी 12 और मिल गया, तो सर सही है, ठीक है। एक एक चीज समझा रहा हूं, कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी समझो। इससे डिवाइड करोगे तो ये तो सीधा सीधा 10 दे देगा, इसमें बहुत चीजें सोचने की आवश्यकता भी नहीं थी। 4.5 से डिवाइड करते हैं, 27 को 4.5 से डिवाइड करना है, बहुत ध्यान से देखिए सर। दशमलव हटा के जीरो बढ़ा लीजिए, 9 से काटिए 30 बार, 9 से काटिए 5 बार, 5 से 6 बार, यानी कि ये आ गया आपका 6। करेक्ट, एफिशिएंसी आ गई। शुरू में टंकी के खाली होने पर ए और सी को खोला जाता है, ए और सी चल रहा है, ए भरेगा 15, सी निकालेगा 6, ये 15 भरता है, ये 6 निकालता है, यानी कि 9 यूनिट पानी टंकी में जा रहा है। ये कितनी देर तक चले हैं नहीं पता है, तो टी कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ घंटे के बाद ए को बंद कर दिया, अब किसको खोल दिया गया? बी को खोल दिया गया, तो अब बी और सी काम कर रहे हैं, बी भरेगा 10, सी निकालेगा 6, तो कितने यूनिट पानी गया? 4। समय कितना बचा? टोटल समय 5.5 का था, जिसमें से टी टाइम यहां पर लिख चुके हो तो इसको घटाकर बराबर कर दीजिए 27 के, क्योंकि टोटल काम इतना ही था। सवाल देखिए खत्म हो गया सर, कैसे गुणा करते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखो ये 9t आपको दिख रहा है, बोले सर दिख रहा है, ये 4×t दिख रहा है, 9 में से 4×t घटा दोगे तो 5t आ जाएगा। सर आ गया सर, 5t तो आ गया सर। अब 4×5.5 था, मैं कह रहा हूं कि इसको आप ऐसे ही लिख दो, गुणा भाग मत करना है, 5.5 एज इट इज लिख दो। 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1.1
गुणा कर लीजिए, 4.5 के आसपास उत्तर आ जाएगा। तो आप जब इसको पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके पास चीजें जो है वो क्लियर होकर आ जाएंगे। तो यानी कि t का जो मान होगा वो हो जाएगा कितना, आपके पास आया 4t, यहां से बचा था 5t हो गया। अब देखिए जरा, 4 पंचे 20 और 2 22, इतना आया। 5 से डिवीजन करने के बाद 5 चौको 20, 4.4 आया। बोले सर आया। अच्छा सर, कह रहा है पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा है, ये तो टी का मान आ गया। किसका मान आ गया, टी का। देख पा रहे हो सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। अच्छा सर, एक चीज अभी हम भूल रहे हैं। क्या भूल रहे हैं सर, बराबर में अपने पास 27 लिखा था सर, ये आप ध्यान दो पहले। यहां से 5t प्लस 22 आया है, और सर टोटल काम तो अपने पास 27 था ना, तो टी का मान यहां से क्या मिलेगा, 5 इधर माइनस होने के बाद ए, यानी ये टी का मान 1 आ गया। पाइप बी कब शुरू हुआ है, दूसरे वाले पोर्शन में, तो 5.5 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो आप ये जवाब दोगे कि बी जो है सर 4.5 घंटे तक खुला रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बी जो है कितनी देर तक खुला रहा है, 4.5 घंटे। मेरी बात समझ पाए हो। यहां पर कौन कौन से चल रहे थे, ए और सी, यहां कौन कौन चल रहा है, बी और सी, ठीक है। तो बी कितनी देर तक खुला रहा, आपका जवाब होगा 4.5 घंटे, हाँ या ना। इसको दूसरी तरीके से भाई ऑप्शन कैसे करोगे ये देखना। इसको सबको हटा दे रहा हूं, यहां से हटा दिया मैंने इसको। मुझे ऑप्शन दिए थे कि बी कितनी देर खुला रहा, तो बी और जब सी खुलते हैं तो 4 यूनिट काम होता है, और जब ए और सी खुलते हैं तो 9 यूनिट काम होता है। मैंने ऑप्शन ही उठा लिया होता कि 4.5 से ये खुला रहा होता बी, तो 4.5 में अगर बी है तो 5.5 में से घटाओगे तो ये 1 होता। अगर इन दोनों का योग करने पर 27 आ जाए तो आप समझो सही है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 2 18, 18 और 9 कितना बन रहा है, 27, और यही टोटल क्षमता थी। तो आप ये कह सकते हो कि जो नल बी है वो कितनी देर तक खुला रहा है, 4.5 घंटे। आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, दोनों ही तरीके इस्तेमाल करो, आप आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, चलिए देखिए, समझ पाए हो ना। उसमें थोड़ा सा समय लेकर मैंने आपको इसलिए बताया कि जो कैलकुलेशन हो सकती है वो कैसे हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पर तो हम आपको अभी बता रहे हैं, हो सकता है कुछ समय ज़्यादा लगे तो बच्चे बीच में क्लास छोड़ देते हैं कि सर ये तो बहुत ज़्यादा आप टाइम टेक करके बता रहे हो। मैं टाइम इसलिए टेक करके बताता हूँ ताकि आपको परीक्षा में लगने वाला समय रिड्यूस हो जाए। मेरा ध्येय सिर्फ यही रहता है, बाकी इच्छा आपकी, समझना चाहोगे समझ लोगे। चलिए देखिए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ जेड, आइए देखते हैं ध्यान से। वैल्यू ऑफ जेड के लिए मैं इसको देख पा रहा हूं कि 2 की पावर x लिखा है, ठीक है। इसको मैं 4 की पावर y को मैं 2 की पावर 2y लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकता हूं। और 8z को मैं 2 की पावर 3z लिख सकता हूं, बोले सर बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे रिजल्ट ये मिला कि x बराबर है 2y के, और जो बराबर है 3z के। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ जेड, तो मैं इस 2x और इस 4y की जगह वैल्यू रखूं ऐसी जो कि जेड में हो। इसकी जगह हम वैल्यू रखते हैं, देखना जरा, जेड के रूप में 1/2x की वैल्यू अगर जेड में रखेंगे तो अगर x का मान 3z है तो 2x का मान 6z हो जाएगा। सर ये 6z हो गया, प्लस 4y, देखो 2y की वैल्यू 3z है तो 4y की वैल्यू 6z होगी, सर ये भी 6z हो गया, और ये ऑलरेडी अपने पास 6z ही था, और इसका मान बराबर में कितना है, 24/7। बात समझ में आई, 24/7। तो अब इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एलसीएम 6z आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो ऊपर 3 नीचे 6z, तो 1/2z आ जाएगा, आ जाएगा मेरी बात समझे। एलसीएम 6z आया, ऊपर क्या मिलेगा 3, नीचे एलसीएम 6z है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 1/2z आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया, 1/2z मिल गया, बराबर में 24/7 था। 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, 48/7, पलट कर लिख दो, जेड का मान क्या आ जाएगा, 7/48। तो कौन सा ऑप्शन सही जवाब मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7/48। बहुत कैलकुलेशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना आप नॉर्मलाइज ढंग से करेंगे सरलता लगेगी, प्रश्न के उत्तर आएंगे, ठीक है। कमेंट का अगर जवाब ना दें तो इसको अन्यथा मत लेना, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवा की लंबाई की गणना करें जो कि 20 सेंटीमीटर के व्यास के एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 20 सेंटीमीटर व्यास हो गया, तो 20 सेंटीमीटर व्यास का मतलब रेडियस हो जाएगी इसकी 10, और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये वृत्त का केंद्र है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 10 है, तो 6 और 10 की रेडियस से ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 मिलकर जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16, और इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तो आप लोगों का सबका आ गया होगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर्किल की प्रॉपर्टी पर कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो अगर ये हिस्सा 8 तो दूसरा वाला भी 8 मिलकर 16। नेक्स्ट आइए देखिए, एक बिंदु आंतरिक रूप से 8, 9, -7, 4 लाइन खंड को जोड़ने वाले 2 और 3 के अनुपात में विभक्त करता है, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट क्या है 8 और 9, कल ही मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन करना सिखाया था, आज फिर से आ गया तो फिर से देख लो। दूसरा क्या है -7, 4 और किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, ये रेशियो है 2 और 3 का, किसका है 2 और 3 का, बहुत ध्यान से देखिए, पहले को पकड़ो पहले पर कूदो, दूसरे को पकड़ो पहले पर कूदो, बताइए क्या मिला, 8, 3, 24 प्लस का, 7, 2, 14 माइनस का, अंतर कितना मिला 10 और दोनों का योग 5, तो पहला जो निर्देशांक आ जाएगा यानी x अक्ष का जो निर्देशांक आएगा 10/5 का मतलब 2 आ जाएगा, पहला वाला। सर ये माइनस में था, ये था नहीं, ये माइनस में था, ये आपका उत्तर हो गया। दूसरा निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठाओ इस पर कूदो 27 मिलेगा, इसको उठाओ इस पर कूदो तो यह मिल जाएगा 8, 27 और 8, 35, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 मिल जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 2, 7, जिसमें x अक्ष का निर्देशांक 2 है और y अक्ष का 7 है, क्या कहते हो, ठीक है, क्लियर है, कल ही ऐसा क्वेश्चन कराया था, कल या परसों जो भी, जब भी, कल तो क्लास शायद आधे में छोड़नी पड़ी थी, है ना, हाँ कल ही छोड़नी पड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जेट प्लेन का उत्थान कोण जमीन के एक बिंदु P से 60 डिग्री होगा, अच्छा 60 डिग्री है और 15 सेकंड की उड़ान के बाद जेट प्लेन का उत्थान कोण, उत्थान कोण की बात है, कोण है तो ये 300 तो नहीं हो सकता ना, 30 डिग्री होगा, ठीक है। जेट प्लेन 1500√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो जेट प्लेन की गति ज्ञात करें, देखिए ध्यान से, ये मान लो जमीन है और ये जेट प्लेन है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है 1500√3 की, 1500√3 की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा है जमीन से, अच्छा जी, अब समझिएगा, जब पहले इसको देखा गया था तो इसका जमीन से जो उत्थान कोण था वो कितना था 60 डिग्री का, बहुत ध्यान से देखना 60 डिग्री का, और फिर ये प्लेन जो है आगे बढ़ा और अब इसका उत्थान कोण हो गया 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, उत्थान कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया, बहुत ध्यान से समझना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में इसे 15 सेकंड लगे हैं, ये सवाल में आपसे बोला गया है, तो कह रहा है स्पीड क्या होगी, अब देखो सवाल सरलता कैसे होगी, एंगल 60 डिग्री होने पर लंब और आधार के बीच का रेशियो √3:1 होता है, कई बार बता चुके हैं, तो अगर एंगल 60 पर लंब 1500√3 है तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, इसका आधार सिर्फ 1500 आ जाएगा, बोले सर आ गया, बिल्कुल आ गया, 30 डिग्री पर लेते हैं, एंगल 30 डिग्री होने पर लंब और आधार का रेशियो 1:√3 होता है, तो अगर 1 की वैल्यू 1500√3 है तो √3 की क्या होगी, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4500, ये पूरी डिस्टेंस आ गई, पूरी 4500, ये 1500 यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी 3000 मीटर की, और 3000 मीटर 15 सेकंड में अगर कोई व्यक्ति या कोई जहाज तय कर रहा है तो एक सेकंड में उसकी गति क्या रही होगी, 3000/15 यानी कि 200 मीटर प्रति सेकंड उस हवाई जहाज की गति होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब इससे ज़्यादा और इससे सरल तरीके से बिना किसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए दुनिया में आपको कोई समझा नहीं सकता है, कोई सिखा नहीं सकता है, दो बातें आपको याद रखनी है हमेशा से कि थीटा बराबर, हर बार लिख देता हूं कि थीटा बराबर 60 अगर हो
तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है वो रूट थ्री वन होता है, और अगर यही 30 डिग्री होता है, एंगल 30 डिग्री हो, तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है ये 1:3 होता है। सैकड़ों बार ये बात लिख चुका हूँ, सैकड़ों बार ये बात बता चुका हूँ, अगर अब भी भूलोगे तो तुम कुछ याद नहीं रख पाओगे, ये बात याद रखना, ठीक है। चले अगले सवाल पर, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्त, वेरी गुड। अगले सवाल पर आते हैं, चलो देखो, एक डाटा सेट का जो प्रसरण है, प्रसरण का मतलब वेरिएंस है, वो 361 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका मानक विचलन क्या होगा। अब दुनिया जानती है कि मानक विचलन और वेरिएशन वेरिएंस के बीच में क्या संबंध होता है, तो लिख लो, जिसको नहीं पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट ऑफ वेरियंस में आता है, रूट ऑफ वेरियंस में, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है जबकि वेरिएंस हमको कितना दिया है, 361। अब अगर 361 का वर्गमूल निकाला जाता है तो ये प्लस माइनस 19 आएगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा हमेशा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, मानक विचलन, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नेगेटिव ना होने की दशा में आप इसमें माइनस वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, आपका जवाब क्या होगा, 19। कई बार प्लस माइनस आंसर में दिया भी है, लेकिन जवाब क्या होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के साथ लिखा होगा, यानी कि 19। क्लियर है, नोट करिएगा इस बात को, ठीक है। चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर और सी से 20% ज्यादा मूल्य पर बेचता है, कौन ए? ए बी सी। ए अपनी वस्तुएं बी से 20% कम मूल्य पर बेचता है, तो अगर ये 5 की बेचता होगा तो ये 4 की बेचता होगा, और सी से 20% ज्यादा मूल्य पर बेचता है, तो अगर सी 5 की बेचता होगा तो ये 6 की बेचता होगा। बराबर करने के लिए ऊपर 3 से गुणा करते चलते हैं, नीचे 2 से, ऊपर 3 से करोगे 12, 3 से कर लो 15, नीचे 2 से करना है 10। ये रेशियो आ गए एबीसी के, ठीक। एक व्यक्ति ए से 9600 रुपए मूल्य की वस्तुएं खरीदता है, मैंने कहा 12 वस्तुएं 9600 रुपए के हिसाब से खरीदी हैं, 12 वस्तुओं की कीमत 9600 है, ठीक है। एक की कितनी होगी, बोले सर एक की वैल्यू निकाल लेते हैं 800 होगी। बढ़िया, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझते चलो। आगे क्या कह रहा है, यदि वह आधी वस्तुएं बी से और आधी सी से खरीदे, आधी बी से खरीदे आधी सी से खरीदे, तो आधी बी से आधी सी से मतलब 12 में से 6 इससे, 6 इससे, यही तो बात हुई, 6 इससे 6 इससे, इसकी कीमत क्या होगी। अब जरा ध्यान से सुनो, समझना ध्यान से, मैं आपको ये बोल रहा हूं आधा आधा करना है। एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 800 आ गई, बोले आ गई सर, तो 15 की कितनी होगी, 15 × 8 = 120, 12,000, लेकिन हमें चाहिए था आधा, तो ये 6,000 का आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 800 है, 10 की क्या होगी, 8,000, लेकिन चाहिए था आधी वैल्यू, तो 4,000। यानी अगर वो आधी वस्तुएं बी से खरीदेगा तो 6,000 की, आधी सी से खरीदेगा तो 4,000 की। क्लियर है, कह रहा है यदि वह व्यक्ति आधी, हाँ आधी सी से खरीदता है तो उसे यह सौदा अधिक लाभप्रद रहता है और कितना रहता है। अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों ने 10,000 रुपए का सौदा किया होगा, तो यहां पे कितने का था, 9600 का, तो सौदा लाभप्रद तो नहीं रहा, यह बात तो खत्म हो गई, सौदा लाभप्रद तो नहीं रहा लेकिन हानि हुई है, हुई। अच्छा, तो अगर हानि हुई है तो इसमें ये जो ऑप्शन है ना, लाभ ना हानि, ये तो खत्म हो गया। अब अगर हानि को देखकर चले और अगर हमें बचे हुए ऑप्शन में से टिक लगाना ही है, तो क्या हो सकता है कि भाई 9600 की चीज खरीदी थी, 10,000 की यहां पे मिल रही, तो 400 रुपए की हानि हो रही है, तो मैं ऑप्शन पे लगा दूंगा ए, लेकिन पूछा था लाभ कितना हुआ, तो लाभ नहीं हुआ है, हानि हुई है, लेकिन क्योंकि अब चारों ऑप्शन में से अपने पास ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें टिक करना है, तो किसके साथ जाना सही रहेगा, 400 के साथ। क्लियर है क्या, हाँ या ना जवाब दो,
अगला सवाल देखो, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका कैसे निकालते हैं? जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें बीच वाले टर्म को उठा लीजिए और आधा कर दीजिए। अब टर्म्स गिन लो, 1, 2, 2+4, 2+6, 2+8, 2+10। सर 10 टर्म में बीच वाला कैसे आएगा? 10 टर्म में बीच वाला आएगा पांचवा और छठवां, इनको योग करके 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक, माध्यिका निकालने में बात बता दे रहे हैं कि अगर n जो है वो सम है और एक बार हो सकता है n विषम है, तो विषम वाले कंडीशन में आपको ठीक ठीक चीजें मिल जाएंगे। सम वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। सम वाली जब सम होगी तो जितनी भी संख्याएं हैं आपको, आप उसका आधा कर लीजिए, 5 आ जाएगा, और इस आधे में एक जोड़ दीजिए, तो ये आपके पास माध्यिका निकालने के लिए आने वाले पद आ जाएंगे। अब माध्यिका कैसे निकालोगे? इन्हीं दोनों को जोड़कर 2 से विभाजित कर देना। ये सम नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए माध्यिका निकालने का तरीका होता है। अब समझो, ये आफ्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, अब यहां पे माध्यिका पांचवां और छठवां पद होगा, कौन कौन से होंगे? देखो, पहला 3, दूसरा 3, 2 तो ये हो गए, फिर उसके बाद 4, 4 और एक और 4, तो पांचवें पद में 4 आना कंफर्म हो गया है कि पांचवें पद में सर 4 तो आएगा ही आएगा। अब 4 से बड़ी संख्या क्या है सर? ये आ जाएगा छठवें पद में, पद की बात कर रहे हैं, छठवें टर्म में 5 आ जाएगा, तो हमें 4 और 5 मिल गए। इन्हीं को जोड़कर 2 से अगर मैं डिवीजन कर दूंगा तो अपने पास जो माध्यिका है, जो मीडियन है, वो आ जाएगी 4.5। जवाब सही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक है, समझ पाए ना कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने की कोशिश की? हालांकि ये कोई बहुत ज्यादा कठिन बात नहीं थी, सरल सी बात थी। चलो ये देखो सवाल, घबराना नहीं कि इतना बड़ा सवाल है, समझो सवाल को, समझो और उसकी धार को समझो, और फिर ये देखो कि आपको समझाना क्या है जब मैं आपको बताऊं। एक कार्य को समाप्त करने में अंकित बालाजी और चंदू के द्वारा मिलकर लिए जाने वाले समय के बराबर समय लेता है। अंकित जो है वो बालाजी और चंदू के बराबर जो समय लिया जाता है उसके बराबर समय लेता है। तो कहने का मतलब, अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो इन दोनों के लिए अगर एक होगा तो इसका भी एक होगा टाइम। तो अगर मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं तो इन दोनों की इफिशियंसी जो होगी वही अकेले किसकी होगी? अंकित की। ये बात समझ में आई? तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात अपने मन में बिठा के चलो, बस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपने मन में बिठा के चलो। यहाँ पर ए और बी प्लस सी लिख लो, एफिशिएंसी दोनों की बराबर है, जितनी बी प्लस सी की उतनी ए की। समय लेता, अंकित और बालाजी एक साथ किसी काम को 10 दिन में करते हैं। कौन कौन? अंकित और बालाजी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं, और चंदू अकेला इसे 15 दिन में करता है। तो आप देखिए, आपके पास टोटल वर्क आ गया 30, इसकी क्षमता 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। इतनी बात ठीक है? बोले हाँ सर, इतनी ठीक है। तो अगर मैं तीनों की इफिशियंसी की बात करता हूँ, तीनों की मिलकर, तो 5 होगी। बोले हाँ सर, 5 होगी। और यहां पर मैंने देखा था कि इफिशियंसी का रेशियो 1 और 1 का था, यानी कि दोनों का मिलाकर 2 था। तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हमें तीनों की इफिशियंसी का हिसाब किताब पता चल जाएगा कि 2.5 के हिसाब से चल रहा है मामला। कोई दिक्कत? बोले नहीं सर। अच्छा, अब समझना जरा आगे, बालाजी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? कौन? बालाजी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, ध्यान से समझना। चंदू की इफिशियंसी कितनी है सर? 2 है। इसमें से चंदू की इफिशियंसी हटा दो तो अंकित और बालाजी की इफिशियंसी आपके पास आ जाएगी कितनी? 3। अंकित और बालाजी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 3। अब अंकित और बालाजी में आपसे पूछना है, बालाजी की अगर क्षमता निकाल ले तो उसका निकाला हुआ समय आ जाएगा। इन दोनों में दोनों की कुल मिला के कितनी आई है? 3। इसमें से अगर जो इसको घटाने से आया था 2.5 को अगर मैं माइनस कर दूं तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ बालाजी की क्षमता आ जाएगी 1/2, यानी बालाजी 1/2 की क्षमता से काम कर रहे होंगे। और बालाजी को काम करना कितना था? जितना टोटल काम था, अर्थात 30। बहुत प्यारा सवाल आ गया भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बालाजी अगर 30 काम को करेंगे और 1/2 के हिसाब से करेंगे तो बालाजी को 60 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 60 दिन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट। कौन सा? डी। क्या मेरी यह बात सबके समझ में आई है? और आई होगी, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो थी नहीं कि जो ना है। अगला सवाल देखिए,
बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे बताओगे। बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 6/18/47% का लाभ कमाता है, 1 किलो के स्थान पर कितने किलोग्राम बांट का प्रयोग किया। अब दिक्कत ये होगी ना कि सर हमें ये प्रतिशत में बदलना वाला जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है ना, ये अगर पता होती तो सवाल 2 सेकंड का होता। तो आपको लिख लो, याद कर लिया करो ये डेटा कि 6/18/47% का मतलब होता है 3/47, यानी टोटल क्वांटिटी कितनी बनी है 50। 50 देना चाहिए था उसको, लेकिन वो दे रहा है कितनी, 47। तो 50 को 1 किलो बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, तो इसको भी 20 से गुणा कर दो, ये 1000 ग्राम बन जाएगा जिसको 1 किलो कहते हो, और ये बनेगा 940 ग्राम। यानी उसने 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम दिया है, 940 ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्या कहती, ठीक। अगला सवाल देखो इसी बात पर, फटाक से बताओ। एक समतल मैदान पर बिंदु P से टावर के शीर्ष का एलिवेशन कोण 30 डिग्री है। टावर के शीर्ष का समतल मैदान से एलिवेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। आगे कह रहा है यदि टावर की ऊंचाई 100 हो, अच्छा टावर की ऊंचाई 100 हो तो ये ऊंचाई क्या होगी, ये लंबाई क्या होगी, 100√3 होगी सर, 100√3 होगी, यही दूरी पूछ रहा होगा, 100√। अच्छा इसमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, 1.732, आप दशमलव के 2 अंक तक रखिए, गुणा कर लीजिए तो 173 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 173 मीटर आपका जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 173 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, बोलो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे से सवाल है, आपको करते हुए अच्छा लग रहा होगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि कल सुबह आपको 10 बजे, सुबह 10 बजे एक वीडियो मिलेगा, जैसे आज सुबह आपको 10 बजे कट ऑफ वाला वीडियो मिला है, वैसे ही कल सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको खास तौर पर ग्रुप डी के लिए, किसके लिए, ग्रुप डी के लिए, इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और उसके बाद जीके जीएस प्लस साइंस, इसका सिलेबस, और ये नहीं, सिलेबस तो आपको पता ही होगा, आपको उस सिलेबस की जानकारी होगी मैं बताऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, किस चैप्टर में क्या क्या, जिससे क्वेश्चन आएंगे। मेरी बात समझिएगा, मैंने एक एक चीज उसमें डिस्क्राइब करी है कि सिंप्लीफिकेशन से कौन से टॉपिक से ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रतिशत में मैं किन किन टॉपिक को पढ़ूं उससे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, रेलवे में, अलजेब्रा में मुझे किन आइडेंटिटीज को पढ़ना है जिससे क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरीके रीजनिंग में भी मैंने बताया है, और उसके बाद जीके जीएस में भी ये बताया, और इसमें मुझे बड़ा समय लगा है भाई ये सब चीजें खोजने में, पेपर, प्रीवियस पेपर का अध्ययन करना पड़ता है, रातों की नींद हराम होती है, सच बता रहा हूं। तो उसको प्लीज आप लोग देखना, आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और एक लाइन और जोड़ देता हूं आगे, अगर मन करे तो उस पर अमल भी करना, ठीक है। अगला सवाल चलिए देखते हैं, टाइम एंड वर्क के इस सवाल को। ए बी और सी किसी काम को 81 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी उसे 97.2 में, तो सबसे पहले तीनों को साथ में ले लो, ए बी और सी किसी काम को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं, बढ़िया है। ए और बी उस काम को 97.2 डेज में कर सकते हैं, ए और बी 97.2 डेज में कर लेते हैं, चलो ये भी ठीक है। और उसके बाद बी और सी उसे एक साथ 62 दिन में करते हैं, बी और सी उसे एक साथ 162 दिनों में करते हैं। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बहुत ध्यान से देखना भैया, सभी लोगों से निवेदन है। इन सभी का एलसीएम मैंने लिख दिया 972, हटा के दशमलव समलो 972। 81 से कितनी बार कटेगा, 81 से 12 बार, इससे 10 बार और इससे 16 × 96 = 6 बार, यानी तीनों की क्षमता 12 है जिसमें ए प्लस बी 10 है और बी प्लस सी 6 है। अब आपसे पूछ रहा है बी अकेला इस काम को कितना करेगा, तो बी की क्षमता हमें जाननी जरूरी है, कैसे निकलेगी, सुनो
बी की क्षमता कैसे निकलेगी? मैं ये बोलता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता में अगर मैं सिर्फ बी प्लस सी को हटा दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी प्लस सी हटाओगे तो ए आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, ए आ जाएगा 6, 12 में से 6 घटाओगे, ए अकेला 6 बचेगा, सर बचेगा। अब ए प्लस बी मिलकर 10 था तो जिसमें ए को 6 रख देंगे तो बी कितना आ जाएगा, 4, बी की एफिशिएंसी अभी 4। अब 972 काम को अगर बी 4 के हिसाब से करता है तो क्या 243 आ जाएगा? जी हाँ सर, 243 दिन लगेंगे बी को उस काम को समाप्त करने में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? अरे वाह सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। अरे वाह, त्रिकोणमिति का एक और अच्छा सवाल, ध्यान से समझना। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में मैं लिख दूं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है ये आप सब लोग जानते हो। इसका रिजल्ट बनता है 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो बनता है। बोले हाँ सर यही बनता है। ए क्या है सर? कॉस ए। बी क्या है सर? साइन ए। स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 बना देगा। कोफिशियंट क्या है? 2। आंसर क्या बनेगा? 2। खत्म हो गया सवाल। नहीं करना है कुछ सर, इतना सब कुछ ये ब्लैंक पड़ा रहेगा सर, इतने में सवाल हो गया। अब हो गया तो हो गया, अब बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं रह गई। तुम बड़े हो चुके हो, इस चीज को ध्यान दो, और साथ में तुम्हारा पेपर भी है, इस चीज का खासा ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए, अगले सवाल पर चलते हैं। निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1200 और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 मिलता है, मूलधन कितना होगा? अगर दर निकल आए तो मूलधन निकल आएगा। 15 चौको 60, 4000 उत्तर होना चाहिए। अब देखिए सर कैसे होगा यह 4000 उत्तर। बोले सर आपने कहा 15 चौको 60 और 4000 उत्तर दे दिया, ऐसे ही देखना, ध्यान से समझो। 2 साल में अगर 1200 मिला होगा तो प्रत्येक साल साधारण ब्याज 600 और 600 होगा। बोले हाँ सर होगा। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल तो 600 ही होगा, दूसरे साल 600 तो मिला ही होगा, प्लस 90 और मिला होगा, यस और नो? तो आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि 90 इस 600 का कितने परसेंट है, यहां से ब्याज की दर आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? यहां से अगर मैं देखूंगा तो ब्याज की दर आ जाएगी ना, इससे काटेंगे ये कट जाएगा, 15% ब्याज की दर आ गई है ना। और इसी 15% की ही दर से आपको एक साल में 600 रुपए ब्याज मिल रहा है ना। अब आप समझो तो 1% की वैल्यू 40 होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी, कौन बालक बताएगा? सर 2 जीरो आगे लगा देने हैं, 4000 होगी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है क्या? बहुत नहीं करना था इसमें, समझने की बात थी, समझ लिया, सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। उमा उमा रमा कल्याणी, तुम कमला रानी, इस नाम को हमारे धर्म में एक देवी का रूप दिया जाता है, तो ये जो है देवी एक टेरेस पार्टी का आयोजन करती हैं। अनुमानित व्यय को 5 मदों में विभाजित किया गया, कह रहा है वह 850 रुपए मद 3 पर खर्च करती हैं। तीसरी मद जो कि कितने परसेंट की दिख रही, 10% की। तो इसका मतलब 10% की वैल्यू जो है वो 850 रुपए है, खर्च किया गया है। तो मद 2 और मद 5 पर खर्च कितना है? देखिए मद 2 20% की है, मद 5 15% की है, मिलकर हुआ 35%। हमको 35% की वैल्यू निकालनी है। हम देख पा रहे हैं कि 10 से 35 आने में 3.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 3.5 का होना चाहिए क्योंकि मल्टीप्लायर 3.5 गुणा कर लो, 8 3 24, 150 25 50, ये हो गया 3 का गुणा करने पर 25 50, आधा और कर दो 425 और हो जाएगा, 25 4 2900 2975 रुपए। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत कठिन था क्या? स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, ठीक है। बहुत कठिन था क्या? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है तेजी से, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? बहुत कठिन तो है नहीं। नेक्स्ट, एसी पर डी मीडियन की लंबाई है,
जहां ए ये है, बी ये है और डी की लंबाई ज्ञात करनी है। निर्देशांक ज्यामिति के इस प्रश्न ने हल्ला मचा दिया था जब ये आया था, और इतना सरल है कि क्या ही बताएं। चेक कर लो, एसी पर डी क्या है, मीडियन है, तो ये मैंने लिख दिया एसी। यहां पर डी जो होगा वो मीडियन होगा, यानी इसका मध्य बिंदु होगा, तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहां बी होगा, इससे इसको मिलाया गया होगा, डी मीडियन है, ये तो बात है। अब देखो बी पॉइंट क्या है, 1, -1, सी पॉइंट क्या है, 5, 1, और ए पॉइंट क्या है, सर ए पॉइंट है -1, 3। तो दो पॉइंट के बीच का मीडियन जो है, यानी कि मध्य बिंदु डी है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2, x1 + x2 5 - 1, 4/2, तो इसका निर्देशांक आ गया 2, 1, 3 मिलकर 4, 2 से डिवाइड करेंगे ये भी 2, डी के निर्देशांक, डी के पॉइंट आ गए। अब मुझे निकालना है द लेंथ ऑफ बी डी, यानी कि ये लेंथ निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, √x2 - x1² प्लस √y2 - y1² लिखूंगा नहीं, ऐसे ही करेंगे, दो में से एक घटाओगे रूट के अंदर, एक बचेगा उसका स्क्वायर भी एक ही रहेगा, प्लस लगा दिया, दो में से एक घटाएंगे 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 - -1 तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो अपना जवाब आ गया, जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बीडी की लंबाई जो पूछी गई थी वो √10 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। सवाल खत्म हो गया। दो फॉर्मूले लगे हैं इसमें, एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला, x1 + x2/2 लिख देता हूं, लिख लो, ये x का निर्देशांक होता है, y का क्या होता है, y1 + y2/2, ये y का निर्देशांक होता है, और दो बिंदुओं के ये मिड पॉइंट निकालने के लिए बात है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब निकालते हैं तो क्या होता है, √ ए भी लिख लो, कुछ बच्चों का हो सकता है जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए फायदा आ जाए, लेकिन ये आता सबको होगा, ये बात मुझे पता है, ठीक, ये होता है, ये बाद में लिख दिया, जो सवाल सरल था, बहुत ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। नेक्स्ट चलिए देखिए, कंप्यूटर के एक खेल में बिल्डर 5 घंटों में दीवार निर्मित कर सकता है, जबकि विनाशक सुनील शेट्टी है क्या ये, 7 घंटों में पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। बिल्डर मतलब बी लिख लेता हूं, विनाशक मतलब बी लिख लेता हूं, ये 5 घंटे में दीवार बना सकता है और ये 7 घंटे में दीवार को खत्म कर सकता है। एलसीएम आ गया 35, इसका मतलब ये 7 की इफिशियंसी से बनाएगा और ये 5 की इफिशियंसी से गिराएगा, इतना काम तो करना ही था। बिल्डर और विनाशक समतल जमीन पर एक साथ काम की शुरुआत करते हैं, परंतु 3.5 घंटों के बाद विनाशक यानी बुलडोजर, अगर आप समझ लो, इसको हटा दिया जाता है। अब अगर ये 1 घंटे काम करेंगे तो काम पॉजिटिव में 2 होगा, +2, और इन्होंने 3.5 घंटे तक काम किया है, इसका मतलब 7 काम हो गया होगा, 35 में से 7 काम हो गया, बचा का इतना काम 28 काम। अब बुलडोजर यानी विनाशक को हटा लिया गया तो बिल्डर ही काम करेगा, बिल्डर कितना काम करता है, 7, तो 4 घंटे लगे, हाँ सर 4 घंटे लगे, पहले कितनी देर काम हो चुका है, 3.5, अभी कितनी देर हुआ, 4, तो मिलकर कितनी देर काम हुआ टोटल दीवार बनाने के लिए, यही सवाल में पूछा गया था, 7.5 घंटे, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सवाल खत्म हो गया। बहुत नहीं लिखना है, सवाल इस तरीके से पढ़ो कि अगर पेन चलना शुरू हो, वैसे तो पेन मत चलाओ, लेकिन अगर पेन चलना शुरू हो तो रुके तभी जब आंसर सामने दिखाई दे, और कैलकुलेशन माइंड में इस तरीके से शार्पनेस से करो कि गलत होने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। लोग तुमसे पूछें कि बता तेरी रजा क्या है, क्वेश्चन तुमसे कहे कि बता तू कितने सेकंड में आंसर चाहता है, तब तो मजा है ना। नेक्स्ट चलिए देखिए, अलजेब्रा का एक बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अभी तुमसे पूछ ले कि बता तेरी रजा क्या है, तो तुम लोग सीधे कह दो कि सर नौकरी दिलवा दो, ये तो रजा बताई, मेहनत कहाँ है इसमें, बिना मेहनत के रजा भी पूरी नहीं होती, रजा की मुराद भी तभी पूरी होगी जब बीच में मेहनत आएगी। सवाल,
मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि x कॉमन करके 6 को उधर भेज दो, तो x मैंने कॉमन किया, इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, x इससे भी कॉमन करोगे माइनस का 6 बचेगा, उधर भेज देते हैं तो x प्लस 1 अपॉन x का मान 6 आ गया। स्क्वायर करना था यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर चाहिए था, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 34 उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ने के लिए आपसे इशारा कर रहा है। ये पता है ना आपको तरीका, ये जा बात जानते हो ना कि अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर n हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n स्क्वायर माइनस 2। पता है ना ये बात, नहीं पता है तो लिख लेना, हो सकता है कुछ महान विभूतियां अभी भी ऐसी हों जिनको ये चीज़ ना पता हो, तो उन महान विभूतियों के लिए मेरा एक ये छोटा सा जो है श्रद्धांजलि भेंट है उनके लिए, नोट कर लीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द्विघात समीकरण से बेहतरीन टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो है, मूल p और q है, तो पूछा क्या गया है भाई, देन किसकी वैल्यू। अच्छा ऑप्शन अगर देखें तो p का मान पूछा जा रहा है, तो लिख लो तो p बराबर क्या होगा, अगर ऑप्शन पर देखें तो सब में p की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब यही पूछा गया होगा कि p का मान क्या है, ठीक, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो अगर ये आपके पास द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल दिए हैं p प्लस q, तो मैं ये कहूंगा कि मूलों का जो गुणन योग होगा वो क्या होगा, माइनस का b अपॉन a यानी कि माइनस p होगा, और मूलों का जो गुणनफल होगा यानी पी क्यू होगा वो क्या होगा, c अपॉन a यानी कि जो कि q आ जाएगा, आ जाएगा। मुझे p का मान चाहिए, ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि आप यहां से p माइनस q निकाल लो, p माइनस q कैसे निकलेगा, होल स्क्वायर करेंगे जो कि क्या बनेगा, p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस में 4pq। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, छोटी सी लाइन मिस करोगे सवाल गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, कि p प्लस q का होल स्क्वायर करेंगे तो p आ जाएगा, स्क्वायर करने पे p हो गया, माइनस 4pq जो कि q आ जाएगा, ये मान हो गया p माइनस q के होल स्क्वायर का। क्या बात, यहां तक समझ में आई, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं p माइनस q का होल स्क्वायर क्या बराबर आएगा, p माइनस 4q। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि इसका जो मान आ गया p माइनस 4q आ गया। अब आप समझिएगा, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखो, आपको ये पता है ना कि आपके पास p प्लस q का होल स्क्वायर क्या है, बोले सर पता है माइनस p है जो ऊपर लिखा है, नहीं सॉरी p है केवल, स्क्वायर कर दोगे तो p स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, p स्क्वायर, यहां पे भी p स्क्वायर है, ठीक है, बन जाएगा या नहीं बनेगा, बोले सर बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है इतने में, पक्की बात है, बोले हाँ सर। अच्छा अब जरा गौर करो मेरे भाई, कि अगर मैं p प्लस q के होल स्क्वायर में से p माइनस q का होल स्क्वायर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना, p प्लस q के होल स्क्वायर में से p माइनस q का होल स्क्वायर माइनस कर दूं, मतलब अगर ये 2 हो और ये 1 हो तो मैं कह रहा हूं कि मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूं, दूसरे में से पहले को घटा रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि 2pq और 2pq यानी 4pq मिलेगा अपने को, और यहां से क्या मिलेगा, जब घटाओगे इसको तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस का 4q आ जाएगा। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, आपके सवाल का उत्तर अब आपको दिखने लगा होगा, हमें चाहिए था p का मान, तो 4 से 4 ये कैंसिल, q से ये q कैंसिल, तो अपने पास p का मान क्या आ गया, 1, और यही आपसे पूछ रहा था कि p की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर डी, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्लियर है। बहुत ध्यान से समझने वाली चीजें होती हैं, और ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है, बाकी इच्छा आपकी। नेक्स्ट चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से पूछा गया सवाल, प्रोबेबिलिटी जो भी है, एक कलश में 5 लाल 3 हरे 2 नीले 4 पीले कंचे हैं, यदि 2 कंचे बेतरतीब, बेतरतीब का मतलब रैंडमली हाथ डाला उस घड़े में और निकाल लिया गया, बस बेतरतीब मींस ये, तो दोनों के या तो लाल या दोनों के हरा होने की प्रायिकता क्या है, या तो दोनों लाल हो या तो दोनों हरे हो, कैसे समझोगे, पहले तो ये देखो कि टोटल कितने कंचे हैं और उसमें से हमें दो ही निकालने हैं,
पांच तीन आठ दो दस और चार 14 कंचे हैं। तो मैंने कहा अपने पास टोटल कंचे हैं 14, जिसमें से मुझे दो ही चुनने हैं, 4C2। अब या तो ये दोनों लाल हो या तो हरे हो। अगर ये दोनों लाल होंगे तो लाल से बाहर निकलेंगे यानी कि 5C2, और मेरे भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ था इसलिए प्लस। और अब अगर ये या तो दोनों हरे हुए तो किससे निकलेंगे, 3C2। अब अगर आपको ऐसी वैल्यू निकालनी हो जिसमें नीचे 2 लिखा होता है तो आप कैसे निकालोगे? एक कम करिए 5 में से, जो भी ऊपर लिखा उसमें से एक कम करके 2 से विभाजित कर दो। 5 में एक कम करोगे 4, 5 को 20, 20 का आधा 10, 3 दूनी 6, 6 का आधा 2, 3, 14 × 13, 2 से डिवाइड करोगे 91। ऊपर क्या मिला आपको? ऊपर मिला 13 और नीचे मिला आपको 91। तो प्रायिकता अगर देखी जाए तो 13 × 13, 13 × 7 = 91, ऑप्शन नंबर सी आंसर। किस प्रायिकता से ऐसा हो सकता है संभव? सर 1/7 की प्रायिकता से ऐसा संभव होगा। क्लियर? कमेंट तो करो कि मजा आ रही है सर चैप्टर में, और सर राइटिंग आपकी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती जा रही है बिल्कुल आपकी तरीके। नेक्स्ट, अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 23। एन एक उच्चतम संख्या है, मतलब हाईएस्ट नंबर है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 1305, 4665 और 6905 को अगर डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेष एक समान होता है, एक नहीं होता है, बराबर होता है। एन के अंकों का योग क्या होगा? अब इसके लिए आपको संख्या जानना जरूरी ही होगा, क्योंकि अंकों का योग पूछ दिया गया था। अगर कुछ और पूछा जाता तो उसमें हो सकता है कुछ और तरीके से सवाल को किया जा सकता था। देखो 1305, 4655 ना, 4665 और तीसरी संख्या क्या है, 6905। समझिएगा, हाईएस्ट नंबर चाहिए था जो इन तीनों को डिवाइड करके इक्वल रिमाइंडर दे। तो हाईएस्ट नंबर कैसे निकलता है? जब आप कह भी रहे हो हाईएस्ट यानी कि हमें चाहिए क्या एचसीएफ, तो पहले इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या मिलेगा, 5 से 5 जाएगा तो 0 मिलेगा, 6 में से 0 गया 6 मिला, 6 में से 3 गया 3 मिला, और 4 में से 1 गया 2 मिला, 2360। इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ, 5 में 5 0, 0 में से 6 4 होगा, यहाँ 8 8 में से 6 2 होगा, 6 6 में से 4 2 होगा, 2240 और इधर 2360। अब मैं देखता हूँ इन दोनों का डिफरेंस, तो 2300 क्यों, ये 3300 होगा, 3360। इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूँ क्या मिलता है, 20 इधर मिल जाएगा, 11 इधर मिल जाएगा, 1120 आ गया फाइनली। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो हाईएस्ट नंबर चाहिए था वो आपके पास आ चुका है, आपके पास देखने की नज़र होनी चाहिए। सर वो हाईएस्ट नंबर होगा 1120। अब विश्वास नहीं होता है तो रिमाइंडर भी करके आपको दिखा देता हूँ कि 1120 से, इसकी अलग ही ज़रूरत नहीं है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 1305 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 1120, 5, 8, 1, 185 बचेगा, बोले सर बचेगा। अब अगर इसी 1120 से मैं 4665 को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, 4 बार 20 × 80, 11 × 44, 185 यहाँ से भी मिलेगा। तो इसका मतलब 2 से मिल गया तो तीसरे से मिलना लाजमी है, आप चेक कर लेना। तो संख्या जो अपने पास आ गई वो आ गई 1120। कह रहा था अंकों का योग, इसके अंकों का योग 1 + 1 + 2 मिलकर 4 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही जवाब। क्लियर है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखिए ध्यान से। दुकानदार ने 15 किलो चीनी और 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपये और 75 के हिसाब से दर से खरीदे, उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया, कुल बिक्री मूल्य क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था? 15 किलो चीनी किस हिसाब से खरीदी थी, 50 तो 750। अब अगर इस पर 10% का लाभ कमाना है तो इसको हम लेकर चलेंगे 11 से मल्टीप्लाई कर लें, 11 × 55, 5, 11 × 77 और 5 = 82 हो जाएगा, क्यों, 10% का लाभ था तो ये 10 होगा तो ये 11 होगा, यही तो बात है। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। 20 किलो गेहूं किस भाव से खरीदा, 75 के भाव से, 75 × 150 यानी 1500 का खरीदा है, और इस पर लाभ कितना हो रहा है, 20% यानी कि 1800 का बेचेगा, 20% लाभ ले लिया। ये बात तो डायरेक्ट समझ पाए होगे। हाँ सर समझ पाए।
दोनों का विक्रय मूल्य पूछ रहा था 18,826 और 2500 और जोड़ दोगे तो 2625 को दोनों का बेचा होगा, ये होगा विक्रय मूल्य। और ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। सही जवाब के रूप में आप ऑप्शन बी को देखोगे। मेरी बात समझे? इसको भी थोड़ा बता देते हैं, 20% का मतलब 5 की चीज 6 पर गई है, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं लगाई गई, ये याद रखना। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लग रही है, माध्य ज्ञात करना, सबको जोड़कर जितने नंबर टर्म्स हैं उससे डिवाइड करना है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 टर्म है, सबको जोड़कर डिवाइड करना है। 8, 7, 15, 15, 5, 20, 5, 25, 4, 29, 29, 3, 32, 32 और 4, 36, 36 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4.5 आपका उत्तर आ जाएगा। क्यों लिखोगे यार, 36 को 8 से डिवाइड करो, 4.5 उत्तर है, लिखने की क्या जरूरत है इसमें? माध्य ही तो पूछा था, मतलब एवरेज ही तो पूछा था। अगले सवाल पर चलते हैं, इसका मान पूछ रहा है। देखो, इसके मान के लिए हमें चाहिए होगा रूट एक्स। अब रूट एक्स का मतलब सर इस हिस्से का वर्गमूल चाहिए। इसका वर्गमूल निकालने का तरीका है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक चैनल पर अपलोड है, अपलोड शॉर्ट ट्रिक के मेरे ख्याल से 10 से 12 वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, आप उनको देख लो ठीक है एक बार मेरे चैनल के। तो इसको समझो जरा, इसका स्क्वायर रूट लेना है, कैसे लें? 7 माइनस इस 4√3 को आप 2 × 2√3 लिख सकते हो। बोले सर लिख सकते हैं, अब सवाल ही खत्म हो गया। सर 2ab की फॉर्म में, सर ये a है ये b है, बस इसका मतलब है कि 2 − √3 का होल स्क्वायर ये लिखा है, ये जो लिखा है 2 − √3 का होल स्क्वायर लिखा है। तो अगर मुझे वर्गमूल चाहिए है तो मैं स्क्वायर को हटा दूंगा, यही वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि अपने पास रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? सर रूट एक्स की वैल्यू आ गई 2 − √3। तो भैया 1/√x की वैल्यू क्या आ जाएगी? परिमेयकरण कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 2 + √3 आ गई। अब दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ने में ये कैंसिल हो जाएगा, 2, 2, 4 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल। क्या करना था इसमें? ये सवाल तो मेरे ख्याल से मुंह जवानी यानी कि ओरल ही हो जाना चाहिए था, इसमें तो आपको लिखने की राइटिंग की कोई जरूरत थी नहीं। अगर मैंने इतना भी लिखा तो मैंने गुनाह किया है, आप ये समझिए। कुछ नहीं लिखना था भाई, क्यों लिखना इसमें? मेरी बात समझे भाई? चलो नेक्स्ट आओ। 25 क्वेश्चन का सेट है, 27वें पे चल रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको ज्यादा दे रहा हूं। चलो, एक समुच्चय में 4 संख्याएं, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य 9 है, अगली और 3 बड़ी संख्याओं का माध्य 11 है। डेटा समुच्चय का परास यानी कि रेंज पूछ रहा है, परास रेंज, एक ही बात होती है, परास को इंग्लिश में ही रेंज कहते हैं। 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, पहली 3 छोटी संख्याओं का जो माध्य है वो 9 है, यानी बी का मान 9 है, और अगली 3 संख्याओं का जो माध्य है वो 11 है, यानी सी का मान 11 है। तो ये देखो, बी से सी तक जाते में कितने का डिफरेंस दिख रहा है? सर 2 का। तो इसका मतलब ए से बी तक आए होंगे तो 2 का डिफरेंस होने के आधार पर ये 7 होगा। होगा सर, आगे बढ़ लेता हूं, 9, 11 तो ये 13 लेकर चले। बोले सर चलिए। तो अगर पहली 3 का माध्य 9 था तो उनका योग 27 होना चाहिए। जरा देखो, 11, 9, 20 और 7, 27, पहली 3 का योग 27 आ रहा है सर। अगली 3 का माध्य 11 था तो इनका योग 33 होना चाहिए, इन तीनों का। क्या इन तीनों का योग 33 आ रहा है? 9, 11, 20, 13, 33 आ रहा है। रेंज पूछ रहा था, रेंज क्या होती है? सबसे छोटे और सबसे बड़े के बीच का अंतर। 13 में से 7 घटा दोगे, रेंज आ जाएगी 6, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। खत्म हो गया सवाल भाई, क्या लगा इसमें? अच्छा, इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको मैं शुरुआत की लाइन ही ये बोल के शुरू करता हूं इस बात को कि ये फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, तो आप सुन लो, आपके फायदे की बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपका सेकंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया जाएगा, खास तौर पर रेलवे ग्रुप डी के लिए, और ये स्टार्ट होगा 25 जून यानी कि कल शाम 7 बजे से। कल शाम 25 जून शाम 7 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा, और संडे रात 12 बजे तक यानी 26 जून को रात में 12 बजे तक रहेगा। तो मेरा उन सभी दोस्तों से, जितने भी लोग देख रहे हो, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो, उन सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप अपनी अगर तैयारी को एक बार जांचना चाहते हो, और बड़ी मेहनत से बनाया गया है आपके लिए जो क्वेश्चंस मॉक में रखे जाते हैं,
ये ध्यान रख के रखे जाते हैं कि टीसीएस किस पैटर्न पर प्रश्न पूछता है, और रेलवे में जो प्रश्नों का वेटेज होता है चैप्टर के हिसाब से, उस हिसाब से मॉक बनाया जाता है। तो अगर आप अपनी तैयारी को परखना चाहते हो तो माई पाठशाला का एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें एक सेक्शन आता है मॉक का, मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाकर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कल आप 25 जून को शाम को 7 बजे से लेकर 26 जून रात में 12 बजे तक इस मॉक टेस्ट को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको इन चीजों को करना होगा। तो एक बार करिए, और उसके बाद ये कमेंट जरूर करिएगा कि सर ऑल इंडिया सेकेंड मॉक टेस्ट में हमारा जो है, इस बात का कमेंट से जवाब जरूर दीजिएगा कि सर हमारा जो है स्कोर इतना रहा था और ये प्रश्न हमसे गलत हुए थे। मेरी क्लास का कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। और पीडीएफ वगैरह के विषय में मैं आपको बता दूं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी जा रही है, आप उसको देख पा रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पाठशाला रेलवे एग्जाम का टेलीग्राम आप डाउनलोड कर चुके होगे, उसको ज्वाइन कर चुके होगे, और बाकी बातें जो है शाम वाली क्लास में योगेश सर से आपको पता चल जाएंगे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।